हेलो, आई एम लेट अगेन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है अभी भी। भाई तबीयत ख़राब में वीडियो बना रहा, चुपचाप लाइक करो। एनीवेज, चैप्टर 1076 काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा मुझे, आई मस्ट से। बहुतों के लिए सरप्राइजिंग भी होगा बट मेरे लिए नहीं था, मैंने ये सब बहुत पहले जो प्रिडिक्ट कर लिया था। इंट्रो देख लो, फिर तरीके से बात करते हैं ऑन दिस चैप्टर। एंड आज तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में टोटल चार सिचुएशंस देखे हैं, दो एगहेड के और दो एलबेफ के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एगहेड का फर्स्ट सिचुएशन। पर इस चैप्टर में मेरे दो प्रिडिक्शंस सही हुए हैं एंड वन ऑफ देम इज कि मैंने पिछले ही वीडियो में बोला था कि जोरो काकू वर्सेस मिहॉक सेराफिम होगा और लूफी लुची वर्सेस कुमा सेराफिम होगा। आई वॉज सो फकिंग राइट भाई। एंड फॉर दोस हु आर वंडरिंग कि मिहॉक सेराफिम के पास कौन सा फ्रूट होगा, वी गॉट द आंसर इन दिस चैप्टर। ब्लेड फ्रूट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, नंबर वन वाला फ्रूट। बाय द वे आई लाइक हाउ लूफी ने कुमा सेराफिम को हिट करने से पहले सॉरी बॉनी बोला, दैट वॉज नाइस। लुची और लूफी का गैग देखने मिला विच वॉज बोरिंग एंड अनफनी इन माई ओपिनियन। भाई लुची दल्ला आदमी है भाई, उसके हरकतें देख के हंसी नहीं आती है, दैट्स अ फैक्ट। एंड ये चारों गवार है क्या? आई मीन देखो, इनको सेराफिम को जल्दी हरा रहे हैं, राइट, बट ये लोग अपने फुल पावर में लड़ ही नहीं रहे हैं भाई। लाइक क्या भाई, अब दिखाए ना अवेकनिंग भाई। जोरो कहाँ गया भाई तेरे एनमा की शक्ति? और ऐसा भी नहीं है कि ये एक दूसरे से अपना फुल पावर छुपा रहे हैं, राइट, क्योंकि कुछ चैप्टर्स पहले ही भाई लूफी लुची काकू भाई कूद फांद रहे थे भाई अवेकनिंग में, और अब ये हाइब्रिड हुईब्रिड में लड़ रहे हैं भाई। व्हाट द फक भाई, लूफी गियर 4 क्यों भाई, गियर 5 ला ना, अब एनर्जी प्रिजर्व करने पर ध्यान दे रहे क्या? मे बी दे डोंट थिंक सेराफिम आर वर्थ देयर अवेकनिंग। बट मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सेराफिम आने वाले चैप्टर्स में इन चारों को फुल पावर में लड़ने में मजबूर करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये फाइट में वो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। ये जल्दी ख़त्म हो या लेट, आई डोंट गिव अ शिट। हाइब्रिड या अवेकनिंग, मुझे क्या भाई, बस इतना पता है कि लूफी लोग हारने नहीं वाले। एंड ये सेराफिम में अगर टूट फूट भी गए ना इधर पे लड़ने वड़ने के चक्कर में, तो भी ये परमानेंटली नहीं पिटने वाले, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। एगहेड का दूसरा सिचुएशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे सीपी एजेंट्स अलॉन्ग विथ रियल वेगा पंक हमें दिखे हैं इस वियर्ड सी मशीन में या रूम में, शायद पता नहीं जो भाई, पता नहीं क्यों बट सीमेंट मिलाने वाले मशीन जैसा दिख रहा है भाई अंदर से लमाओ। अब अकॉर्डिंग टू दिस सीपी एजेंट्स, इन पे सी बीस्ट्स ने अटैक किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सी बीस्ट्स को लिलिथ ने बनाया, राइट, तो मे बी शी इज द ट्रेटर। बट एक्सेस तो सारे पंक्स पे था ना, और वेगा पंक पे भी है, ये ओजी वाले पे, तो वी स्टिल डोंट नो कि ट्रेटर कौन है भाई। वेरी नाइस। एक और जो चीज़ कंफर्म हुई है वो ये है कि इस ट्रेटर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को वेगा पंक का पोनीग्लिफ से रिलेटेड रिसर्च लीक किया है, विच इज़ वाई CP0 वाले दल्ले वेगा पंक को मारने आए थे। आई वंडर इस ट्रेटर को वेगा पंक के डेथ से क्या फ़ायदा होगा। बाय द वे 100 से ज़्यादा नेवी शिप्स आ रही है एगहेड अभी, कैन वी एक्सपेक्ट अ बिग क्लैश और वॉर बिटवीन नेवी एंड पायरेट्स? थर्ड एंड फोर्थ सिचुएशन एलबेफ के अराउंड है। शैंक्स काफ़ी टाइम बाद काफ़ी पेजेस में दिखा है, मतलब वानों में भी दिखा था वो, बट कम ऑन यार, वानों में बस वो रेड के प्रमोशन के लिए आया था। इस चैप्टर में एक्चुअल में प्रॉपर वे में दिखा है शैंक्स, एंड डूड आई वॉज सो फकिंग राइट अबाउट शैंक्स। मेरे इस वीडियो को जिन्होंने भी देखा है दे नो व्हाट आई एम सेइंग, नहीं देखा है तो देखना इसे बाद में। मैं सुअर सा लॉजिक लगा के बोला था कि शैंक्स एलबेफ में होगा एंड शैंक्स एलबेफ में है। मैंने सुअर सा लॉजिक लगा के बोला था कि किड वर्सेस शैंक्स होगा फॉर द रोड पुनेग्लिप्स, एंड सी भाई, किड वर्सेस शैंक्स होने वाले फॉर द रोड पुनेग्लिप्स। एंड आई एम डैम श्योर कि इस फाइट के एंड तक शैंक्स के पास भी 3 रोड पुनेग्लिप्स होंगे, किड के 2 रोड पुनेग्लिप्स और उसके पास एक और होगा, देखना पक्का भाई, जो मिसिंग रोड पुनेग्लिफ है उसकी बात कर रहा मैं, पक्का उसी के पोजीशन में होगा, मैं बता रहा। ये वीडियो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि ये सबसे अल्टीमेटली क्या हो सकता है। बाय द वे, डिड यू नोटिस कि लकी रूक्स ने बैकमैन को बोला कि तेरी वजह से ही किड गुस्सा है? डज दैट मीन कि बैकमैन ने किड का हाथ काटा था? मे बी, बट बैकमैन के पास तो स्वॉर्ड नहीं, राइट, मतलब कहीं पे भी मैंने नहीं देखा उसका, मैंने पता है बहुत खोजा फोटो वोटो, एक में भी उसके पास स्वॉर्ड नहीं है। बट क्या पता भाई, शायद उसका गन ही एक स्वॉर्ड है, हो सकता है ना कि गन को खोलने से स्वॉर्ड बन जाता होगा भाई, हु नोस।
एंड ओडा ने पूरे लूफी शैंक्स वाले सिनेरियो को फिर से एक अलग एलबेफ के किड के साथ ड्रॉ किया भाई। वाला माकिनो को भी रिप्लेस कर दिया भाई इस फ्रिकल्स वाली जाइंट लेडी से। ओडा स्टिलिंग हिज ओन डैम वर्क भाई, दैट्स सैड। एंड किन ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में शैंक्स ने बात किया है, आई वंडर कौन उसके हिसाब से मर गए थे बट जिंदा है। सॉल में भी ये दो दल्ले जाइंट्स तो नहीं हो सकते राइट, तो आई गेस सॉल ही की बात कर रहा है शैंक्स इधर, या फिर हो सकता है कोई और ही कोई ऐसा जाइंट की बात कर रहा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। लोकी वोकी में भी क्या पता भाई, अगर मैं सही हूँ तो फिर आई वॉन्ट टू नो कि शैंक्स और सॉल से क्या कनेक्शन है भाई, मुझे जानना है चीज़। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सिचुएशन, किड भाई। ये बंदे को इतने चाटे पड़ने चाहिए ना, चाटे मारो भाई, सब मारो इसको, पता है। इसको मैं थोड़ा सा पहले की वीडियोस में अच्छा क्या बोल दिया, इसको कंधे पे क्या बैठा दिया मैंने, ये कान पे मूतने की सोचने लग गया भाई। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है अभी तक मैं बताऊँ, लॉ के साथ मिलके बिग मम को गड्ढे में गिराना, और ये उसको अपने सिर पे इतने गंदे तरीके से चढ़ा लिया है ना कि ये अकेला पूरे शैंक्स के क्रू और अलाइज को हराने का ख्वाब देख रहा है भाई। मतलब भाई मैं अगर कभी एक वीडियो बनाया ना ऑन द डम्बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस, मैं पक्का किड को सबसे ऊपर रखूँगा भाई। जाए मस्त अभी लड़ने शैंक्स से, पैर कटवा के आएगा इस बार देखना भाई, पक्का बारबोसा लाइट बन के आएगा देखना। ये चाटे मारे भाई शैंक्स को, इसको पता है लकी रुक्स को बैठा दे इस पर मस्त, फिर भी कम है, इतना गूदा आ गया ना इस पर कि भाई इसके दिमाग में वो गूदा घुस गया है, ओनली इफ आई लूज लौड़े यू ओनली लूज। और दूसरा ऑप्शन क्या है तेरे पे? हाँ एक ऑप्शन है अभी चौड़ा होके बाद में पूसी जैसे भागने का, जो कि अगर हुआ तो मज़ा आएगा भाई, लाइक दिस गाय डिजर्व्स इट भाई, इतना उड़ने के बाद बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन तो ये भी डिजर्व करता है। हाँ नेक्स्ट वीक ब्रेक है ना, आई होप हमें जल्दी किड का एस भी लाल होते हुए दिखे मस्त, लाइक रेड एस किड न्यू टाइटल लमाओ। एंड शैंक्स किस ओल्ड फ्रेंड के बारे में मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ट्रेटर कौन सा पंक है अभी भी आई हैव नो फकिंग आइडिया, बाकी तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं एग हेड में। हाँ वो बॉनी कुमा वाला चल रहा है बट ओडा सो करोड़ साल बाद दिखाएगा आई एम श्योर। एंड एट दिस पॉइंट मैं की जरूर सैटर्न वाले चीज़ों पे भी होप छोड़ चुका हूँ, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी तक आ ही रहा है वो भाई, लूफी लोग के इधर से निकलने के बाद आएगा की जरूर देख लेना। एंड ही इज़ द फास्टेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस लमाओ, क्वाइट आयरोनिकल आई मस्ट से। This was a good chapter and that's it. Ab next video mein aap se milegi, to bye bye. Umai wa mu.